नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, माइंड कोचिंग माइंड क्लासेस सीकर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलो आज इंडियन हिस्ट्री के एक और अच्छे टॉपिक से शुरू करते हैं। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक टॉपिक के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आपने नाम सुना होगा, कहते आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ते हैं, कहते भारतीय जनता दिलों में सबसे पहले स्वतंत्रता नारा का नारा लगाने वाला व्यक्ति कौन था? महात्मा गांधी। उनके जीवन काल से, उनकी किताबें, उनके न्यूज़पेपर, वो मोहनदास करमचंद गांधी से कैसे महात्मा गांधी बने, उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी के ऊपर कि मोहनदास करमचंद गांधी से लेकर आपके महात्मा गांधी तक का सफर कैसे तय किया गया था, आज उस पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे। उनके एक छोटे छोटे टॉपिक से अच्छे से पॉइंट उठाएंगे। चलो आज शुरू करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है महात्मा गांधी। क्या नाम है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। अब थोड़ा सा इनके आधार कार्ड पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इनका वास्तविक नाम क्या था, माताश्री का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, इनका दत्तक पुत्र कौन कहलाता है, कौन सी घटना हुई, क्या है क्या नहीं है। एक अच्छे भले परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति भारत में अचानक क्रांति लाने का प्रयास क्यों करता है, असहयोग आंदोलन, कहते असहयोग की भावना क्यों लेकर आता है, अहिंसा का हथियार क्यों उठाता है, चलो उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आधार कार्ड बनाते हैं। आधार कार्ड में सबसे पहले क्या आता है? जन्म। जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। कहां पर? पोरबंदर गुजरात। कहां पर हुआ था? पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। आज 2 अक्टूबर को आज स्कूलों में, सरकारी कार्यालयों में आज भी अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। कभी जाकर देखना, 2 अक्टूबर को आज पर्व की तरह मनाते हैं। बच्चों को महात्मा गांधी की प्रेरणादायक कहानियां सुनाते हैं, प्रेरणादायक गीत सुनाते हैं। तो वही बात है, 2 अक्टूबर 1869 को एक महान आदमी इस धरती पर पधारा था। अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलो कहते हैं जन्म के 10वें 11वें दिन बाद में एक संस्कार किया जाता है जिसे कहते हैं नामकरण संस्कार। मतलब उस व्यक्ति को नाम विशेष दिया जाता है, उसे किस नाम से पुकारा जाएगा, उसका मूल अस्तित्व किस नाम से जाना जाएगा, वो उस आपके जन्म के 10वें 11वें दिन एक संस्कार आता है, नामकरण संस्कार। मारवाड़ी में न्यावण कह लो, कुछ जगह नाम भी कहते हैं, कुछ जगह न्यावण भी कहते हैं। तो चलो महात्मा गांधी के नामकरण संस्कार पे चलते हैं। पीले वाले चावल तो खा के आएंगे। कहते हैं इनका वास्तविक नाम रखा गया था मोहनदास। मोहन का मतलब सुंदर, मन करने वाला। मोहनदास करमचंद गांधी। कुछ व्यक्ति अपने विशेष अपने नाम के आगे अपने पिताश्री का नाम लगाते हैं, ये भी नाम लगाते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। इनका वास्तविक नाम क्या था? मोहनदास। पिता का नाम करमचंद गांधी। कुछ अपने नाम के आगे स्थान विशेष का नाम, तो कुछ नाम के आगे पिताश्री का नाम लगाते हैं। आपको थोड़ा ध्यान रखना है, मोहनदास करमचंद गांधी इनका वास्तविक नाम था। अब उसके बाद में बात करते हैं पिताजी के नाम में नेटकोगे। कहते कर्म बहुत अच्छे किए थे इसलिए चांद जैसा बेटा पैदा हुआ था, इसलिए भारतीय इतिहास में किस नाम से? करमचंद गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। अब इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं इनकी माताश्री, इनके जीवन काल पर सर्वाधिक प्रभाव डालने वाली महिला, ये अपने जीवन काल में एक महिला से सर्वाधिक प्रभावित हुआ करते थे, क्योंकि एक बच्चा अपनी माँ से सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है, क्योंकि जिंदगी का सबसे ज्यादातर महत्वपूर्ण समय वो अपनी माँ के आसपास की जिंदगी में गुजार देता है। और सही बात है, और कहते माँ का प्रभाव बच्चे पर सबसे ज्यादा होता है। तो इसकी इनकी माता जी का नाम भी बार बार पूछ लिया जाता है, बार बार क्वेश्चन उठा लिया जाता है। अब कंफ्यूजन कहां चलता है? पत्नी को कई बार माताश्री के पद पर बिठा देते हो, क्योंकि कई बार कंफ्यूज रहता है कि इनकी माता का नाम क्या है, इनकी पत्नी का नाम क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, तो माताश्री का नाम था पुतलीबाई। महात्मा गांधी जी देखे हुए होंगे, दिखने में कैसे डिलडोल में मजबूत नहीं थे, कमजोर शरीर कैसे लगते थे, दुबले पतले लगते थे। अब चाहे पतली याद रखो चाहे पुतली याद रखो, कि पतली नाम अपने सेट नहीं बैठता, तो की मात्रा लगा दो, पुतलीबाई के नाम से इनकी माताश्री प्रसिद्ध हुई। इनकी माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। क्या नाम था? पुतलीबाई। अब थोड़ा सा विवाह के बारे में चर्चा करते हैं। पत्नी कौन थी? कस्तूरबा गांधी, जो उम्र से इनसे 1 साल बड़ी थी। कहते 12 साल की उम्र में इनका विवाह अपने से 1 साल बड़ी कस्तूरबा गांधी के साथ इनका विवाह हुआ था। कहते इन्हें 4 संतानें प्राप्त हुई थी। कितनी संतानें? 4। कौन कौन सा? देवदास, हरिलाल, मणिलाल और एक रामदास। कहते इन्हें 4 संतानें प्राप्त हुई थी, लेकिन भाई साहब जब अपना बच्चा कभी कहीं जगह फेमस नहीं होता, तो कई बार बच्चा गोद लिया हुआ बच्चा बड़ा फेमस हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी का 5वां दत्तक पुत्र या महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कौन कहलाता है? तो आपको ध्यान रखना, राजस्थान निवासी थे जमनालाल बजाज, जिन्हें महात्मा गांधी का 5वां पुत्र की उपाधि के नाम से जाना जाता है, दत्तक पुत्र के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन बार बार उठा लिया जाता है, कहते पत्नी वो होती है जो हमेशा पति को सहारा देने का काम करती है,
कहते पति जब जेलों में बैठा था पति पत्नी उसके साथ विराजमान रहती है। कहते ये घर का कामकाज छोड़कर चूल्हा चौका छोड़कर पिता अपने पति के साथ कहते असहयोग के आंदोलन में टूट पड़ी थी। कहते गिरफ्तार कर लिया गया था, हर क्षेत्र में अपने पति के साथ जेलों में बंद रही थी। कहते पति को कभी अकेला महसूस होने का मौका ना दिया था और हिंदुस्तान में महात्मा गांधी को परचम लहराने का काम कहीं ना कहीं कस्तूरबा गांधी के से उससे मिला था। अब गड़बड़ कहां? गड़बड़ कहीं नहीं है, वैसा बढ़िया जिंदगी चल रही है, फ्लो में चल रही है। अब कहते भारत में महात्मा गांधी का अंतिम बड़ा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। उस समय महात्मा गांधी ने दो अपने प्रसिद्ध दो नजदीकी व्यक्तियों को खोया था। अब किसी ने बहुत बार पूछा गया कस्तूरबा गांधी की मृत्यु किस आंदोलन के दौरान कहां और किस जेल में हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है कस्तूरबा गांधी की मृत्यु 1944 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सी जेल में, पूना जेल में इनकी मृत्यु हुई थी। तो दूसरा व्यक्ति कौन है, महादेव देसाई। आदमी मर गया, आत्मा आज भी जिंदा है। कहते गांव के लोग आदमी देसाई समझ गए होंगे, देसाई कौन बीड़ी का बंडल आता है देसाई, वो नहीं है, महादेव जी देसाई। कहते वो भी इसी आंदोलन के दौरान मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। कस्तूरबा गांधी भी मृत्यु को प्राप्त हुई थी जेल में रहते हुए अपने पति के साथ आंदोलन में सहयोग करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। तो ध्यान रखना है कस्तूरबा गांधी की मृत्यु भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1944 में हुई थी। कब हुई थी? 1944 में। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता बार बार महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियां और दूसरी तरफ बनता है देने वाले व्यक्ति का नाम कि महात्मा गांधी को ये किस व्यक्ति द्वारा दी गई है। ये बहुत बार सूची एक और सूची दो से सम्मिलित क्रम में आ जाता है। जैसे एक तो महात्मा गांधी को आप किस नाम से जानते हो, बापू। किस नाम से? बापू। दूसरा राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता। तीसरा महात्मा। चौथा मलंग बाबा। पहले लिख लेते हैं उसके बाद में बात करते हैं, मलंग बाबा। उसके बाद में आता है देशद्रोही फकीर, देशद्रोही फकीर। और उसके बाद में आता है अर्धनंगा फकीर, अर्धनंगा फकीर। भारतीय राजनीति का बच्चा, ये उपाधि सारी किसकी है? महात्मा गांधी की। बापू, राष्ट्रपिता, महात्मा, मलंग बाबा, देशद्रोही फकीर, अर्धनंगा फकीर और भारतीय राजनीति का बच्चा। देने वाले व्यक्ति कौन है? अगर मैं कहूं आप एक ट्रेंडिंग सिस्टम चला था रील्स में, आप रील्स देखते हो तो रील्स में एक ट्रेंडिंग सिस्टम आया था पापा की परियां, तो बापू का मतलब क्या था? मारवाड़ी में पिता को क्या कहते हैं? बापू ही कहते हैं। तो कहिए कहते हैं कि बापू। तो देने वाली एक महिला होगी, नाम सुना होगा सरोजनी नायडू। क्या नाम है? सरोजनी नायडू। इस महिला द्वारा इस उपाधि से इन्हें नवाजा गया था। उसके बाद में राष्ट्रपिता, कहते असली शत्रु वो कहलाता है जिसकी बड़ाई शत्रु कर जाए। कहते इनके जीवन काल में इनका सबसे बड़ा प्रमुख विरोधी थे सुभाष चंद्र बोस, उनके द्वारा इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि से नवाजा गया था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस। कहते महात्मा, जो खुद महात्मा होते हैं वो महात्मा के नाम से जानते हैं, तो आपने नाम सुना होगा रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। मलंग बाबा उर्दू भाषा का शब्द है, देने वाला कोई मुसलमान होगा, नाम सुना होगा खान अब्दुल गफ्फार, खान अब्दुल गफ्फार। इस व्यक्ति द्वारा ये उपाधि दिया गया है। अब थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन आएगा आपको, आप देशद्रोही फकीर आए चाहे अर्धनंगा फकीर आए, आप सीधा भाकर करते हो, विंस्टन चर्चिल नहीं है। कहते दो व्यक्ति अलग अलग है, एक का नाम है फ्रेंको मोरेस, अर्धनंगा फकीर कहा गया फ्रेंको मोरेस द्वारा। फ्रेंको मोरेस द्वारा और देशद्रोही फकीर कहा गया विंस्टन चर्चिल द्वारा। भारतीय राजनीति का बच्चा कहा गया एनी बेसेंट, किसके द्वारा? एनी बेसेंट द्वारा। आयरलैंड से एक लेडी आई थी, नाम था क्या? एनी बेसेंट। इसके द्वारा कैसे कैसे? कहते सरोजनी नायडू, कहते महिलाएं बड़ी भावात्मक होती है, महिलाएं बड़ी भावात्मक होती हैं, कई बार कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आदमी में कहीं ना कहीं एक परछाई अपने पिता और भाई की ढूंढने के में लग जाती है। अगर सरोजनी नायडू को महात्मा गांधी में अपने पिता नजर आते थे तो एक बार कहा बोला आप तो मेरे पिता के समान हो, आज के बाद मैं आपको बापू कहूंगा, बापू के नाम से पुकारने लगे, ये बापू बापू करने लगे, संपूर्ण हिंदुस्तान बापू बापू करने लगे। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान से बाहर भाग गए थे अंग्रेजों ने जब नजरबंद किया था, तो कहते इन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से 1944 में महात्मा गांधी के लिए एक फरमान जारी किया, बोला मैं अपने राष्ट्र को एक पिता के हाथ छोड़कर आया।
एक मुखिया के हाथ में छोड़कर आया, जैसे घर में सबसे बड़ा रखवाला एक पिता होता है, उसी प्रकार से मैं अपने राष्ट्र को एक पिता के पास छोड़कर आया हूं जिसका नाम है महात्मा गांधी। आज उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से नवाजता हूं। शत्रु है फिर भी बड़ाई कर रहा है उनकी, तो सोच लो कितना मान रहा होगा। महात्मा महान है जो आत्मा, रविंद्रनाथ टैगोर खुद महान थे, और चंपारण सत्याग्रह के दौरान जब महात्मा गांधी जीत गए थे तो इनके बारे में लिखा है कि ये इतना महान संत है, इनके चेहरे पर तेजी बहुत अलग था, बहुत खतरनाक आदमी है भाई साहब, देखने में ऐसा लग रहा है ये तो आत्मा नहीं, इसके अंदर महात्मा निवास करती है, और चंपारण सत्याग्रह के दौरान दे दिया। और मलन बाबा दक्षिण, जिसे क्या कहा जाता है सीमांत का गांधी, खान बाबा, बादशाह खान, खान बाबा नहीं बादशाह खान, इनका एक संगठन है लाल कुर्ता संगठन कहते हैं, उसके नेता थे, एक जातीय कबायली उसके नेता। अब दिक्कत कहां हुई, कहते एक आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा कि मलन बाबा अपने अंदर खोए रहने वाला व्यक्ति, महात्मा गांधी वो आदमी है जो अपने अंदर ही खोया रहता है, इसे दूसरों की आवश्यकता नहीं पड़ती। और कहते महात्मा गांधी को किसकी उपाधि दी इन्होंने, मलंगे बाबा की उपाधि दी। अब देशद्रोही फकीर, अर्धनंगा फकीर, एक आपके इरविन के साथ एक समझौता होता गांधी इरविन समझौता, ऐसे योग आंदोलन को खत्म करने के लिए, तो इरविन जी ने कहा ठीक है समझौते सारे सही है, हमारे यहां 3 गोल में सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, बोले उसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं हो रहा तो वो असफल हो रहा है, आप शामिल होना पड़ेगा आपको दूसरे में। कब कब हुए, 1930, 31 और 32। और कहते महात्मा गांधी दूसरे में शामिल हुए थे 1931 वाले में, उन्होंने कहा ठीक है शामिल होता हूं। और कहते हैं 1931 वाले गोल में सम्मेलन में ये भाग लेने गए। अब महात्मा गांधी का ड्रेसिंग सेंस आपने देखा होगा, लोगों ने बहुत समझाया, अरे बोला आप मत जाओ हम चले जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस ने कहा मैं चला जाऊंगा, बोला नहीं तेरी जरूरत नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा बेइज्जती करवाओगे मैं चला जाता हूं, बोला नहीं मैं ही जाऊंगा। और कहते एक सोल वाले पेट के लंगोट धारण करके चले गए। कहते वहां पर दो व्यक्ति बैठे हैं, फ्रेंको मोरिस और विंस्टन चर्चिल। फ्रेंको मोरिस ने जब महात्मा गांधी को पहली बार देखा तो महात्मा गांधी को देखते बोला बोले ये कौन है रे, अर्धनंगा फकीर, मतलब आधा डका आधा नंगा फकीर कौन है। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा ये अर्धनंगा फकीर नहीं, ये देशद्रोही फकीर, अपने देश को बेचने वाला फकीर है, ये देशद्रोही फकीर है। तो कहा तो फ्रेंको मोरिस ने था, अगर फ्रेंको मोरिस ऑप्शन से हट जाता आपको सीधा क्या आता है, आपको ध्यान रखना है देशद्रोही फकीर कहा विंस्टन चर्चिल ने और अर्धनंगा फकीर किसने कहा है, फ्रेंको मोरिस ने। अब कहते भारतीय राजनीति का बच्चा, एक आंदोलन हुआ था असहयोग, और महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन कांग्रेस में प्रस्तावित किया था कि आप मेरा सहयोग करो। अब कुछ व्यक्ति थे जैसे विपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्नार, ये खड़े हो गए, ये मैडम भी साथ थे उनके, बोला कहीं आपने ये प्रस्ताव पारित किया तो हमें कहीं ना कहीं आपके कांग्रेस से इस्तीफा दे देगी, और ये प्रस्ताव पारित हो गया। अभी लेडीज देना नहीं चाह रही, जबरदस्ती भाई साहब देना पड़ेगा आप तो। कहते हैं जाते जाते कि स्टेटमेंट डाल गए, बोले आज भारतीय राजनीति के बच्चे के हाथ में आ चुकी है, ये भारतीय राजनीति का बच्चा है। कहते हैं एक और उपाधि है वन मैन बाउंड्री फोर्स, इतनी लंबी चौड़ी इंग्लिश हम यूज नहीं करते, कोई भारतीय इतनी लंबी चौड़ी उपाधि नहीं दे सकता, तो देने वाला है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सर लुई माउंटबेटन। कौन है, सर लुई माउंटबेटन, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हैं, उनके द्वारा ये उपाधि दी गई थी। आधुनिक भारत का आज्ञा शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बढ़िया कोट डॉक्टर साहब। अब इनकी जीवनी के बारे में चर्चा करते हैं। कहते 1888 में ये बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने, बैरिस्ट्री जानते हो वकालत, किसकी वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए, और 1891 में वापस भारत लौटे, 1891 में वापस भारत लौटे। कहते माता ने बचपन से सत्यवादी हरिश्चंद्र, अहिंसा के नारे, रामायण महाभारत की कहानियां सुनाए, श्रीमद भागवत गीता के उपदेश सुनाए, और वकालत में चलता है झूठ का राज, वकालत में चलता है झूठ का राज। कहते इस आदमी को सच बोलने की आदत, अब ये भारत में आए इनका धंधा अच्छा नहीं चला, कोई इनके पास केस के लिए नहीं जाता था। एक बार तो एक अंग्रेज अधिकारी ने अपने घर से उठाकर इन्हें बाहर फेंक दिया था, क्यों, कि जिसका मर्डर होता था उसी को कहते थे ये मर्डरर है, वैसा भी इसने मुझे खुद बताया, आदमी खुद फंस जाए तो इनके पास केस लेकर कौन आए। कहते बैठे रहे कोई बात नहीं, वकालत करके आए थे बैरिस्ट्री जनरल इंग्लैंड से। अब कहते हैं 1893 में इन्हें केस मिला दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का, और इस केस के तहत इन्हें जाना पड़ा पोर्ट नेटाल, जो वर्तमान में कहां है, दक्षिण अफ्रीका, कहां है, दक्षिण अफ्रीका, इस क्षेत्र में इन्हें जाना पड़ा। और कहते हैं इस केस के दौरान ये जा रहे थे, और ये ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, और उस समय काले गोरों का भेद, बोला हम गोरे पैदा हुए हैं तुम पर राज करने के लिए, और तुम काले पैदा हुए गुलामों की जिंदगी को जीने के लिए। एक बार साहब काले गोरों का भेद इन्होंने सिर्फ सुना है, कभी भुगता नहीं है, आज पहली बार भुगते हैं। अब गड़बड़ कहां है, कहते हैं ये फर्स्ट क्लास एसी का टिकट लेके बैठ गए, उन गोरे लोगों के बीच में एक काला व्यक्ति बैठा है,
अलग नजर आ रहा है। कहते हैं टीटी वगैरह या उन अंग्रेजों ने विरोध किया, बोला तुम काले हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे यहां बैठने की। बोला मेरे पास टिकट है। बोला टिकट कुछ नहीं। और एक मैरीबर्ग स्टेशन आता है, उससे पहले कहते हैं आपके महात्मा गांधी को उठाया गया, सामान समेत कहते हैं महात्मा गांधी को चलते ट्रेन से फेंक दिया गया। महात्मा गांधी को पहली बार एहसास लगा, आज तक सुना था लेकिन जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ। और महात्मा गांधी ने कहते हैं वहीं पर सत्याग्रह का प्रयोग कर डाला। और जीवन काल में महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया था? दक्षिण अफ्रीका में। भारत में कहां? चंपारण सत्याग्रह में। कहते इस आदमी के पीछे, कहते ना काफिला अकेले चलना करता है, जिंदगी अकेले चलने की होती है, काफिला अपने आप पीछे चलने लग जाता है, आदमी में दम होता है तो भाई साहब भीड़ अपने आप इकट्ठी हो जाती है। कहते हमने सत्याग्रह का नारा दिया था, वहीं चटाई वटाई बिछा के आंदोलन का आगाज कर दिया। कहते उस समय पोर्ट नेटाल की सरकार थी, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, पहली बार जेल गए, काफी समय तक जेलों के चक्कर काटे। और भाई साहब आपके दक्षिण अफ्रीका की सरकार को झुकना पड़ा था और रणभेद नीति के खिलाफ पहली बार क्या कानून बनाया गया और ये पहली बार जीत गए। और इनके चर्चे हिंदुस्तान में होने लगे, बोले भारत में बाहर से कोई काला आदमी गया था और भाई साहब दक्षिण अफ्रीका में क्या उन्होंने हाहाकार मचा रखी, घर से फोन आ रहे, बोले हो, बोले ऐसा कोई व्यक्ति है आप जानते हो क्या? कहते इनकी प्रकाश तो पहले तैयार हो गए। और महात्मा गांधी भाई साहब भारत में सत्याग्रह के प्रयोग के लिए फेमस हो गए। अब बातचीत चली। अब एक बार क्वेश्चन बहुत बार 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 उठा लिया जाता है कि महात्मा गांधी को सत्याग्रह की प्रेरणा, महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार क्या था, सत्याग्रह की प्रेरणा कहां और किस राइटर की रचना से मिली है। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है महात्मा गांधी को सर्वोदय की प्रेरणा कहां से मिली है। सर्वोदय भी जानते हैं। कहते ध्यान रखना, ध्यान रखना महात्मा गांधी को सबसे ज्यादा घमंड किसका था? सत्याग्रह का। और अपने घमंड को कहते थोरो। क्या कहते? थोरो। अपन कई बार इस तरह के थोरा, क्या थोरा है? थोरा का मतलब होता है घमंड। तो आपको ध्यान रखना सत्याग्रह का सबसे ज्यादा घमंड था तो किस राइटर की रचना से? हेनरी डेविस थोरो। निबंधकारी हेनरी डेविस थोरो की रचना द सिविल डिसोविसिस, द सिविल डिसोविसिस से। इसका मतलब होता है सविनय अवज्ञा। इससे थी महात्मा गांधी को सत्याग्रह की प्रेरणा किससे मिली? हेनरी डेविस थोरो की रचना सिविल द सिविल डिसोविसिस से। और सर्वोदय की प्रेरणा रस्किन की रचना Unto the last। इस प्रेरणा से, इस पुस्तक से नहीं प्रेरणा मिली कि Unto the last। और कहते सत्याग्रह की प्रेरणा हेनरी डेविस थोरो की रचना किसे? द सिविल डिसोविसिस से। अब बहुत बार क्वेश्चन उठा लिया जाता है, चाहे ग्रेड का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड से फोर्थ ग्रेड में, किसी भी एग्जाम में आता है कि महात्मा गांधी वापस भारत कब आए थे और उस दिवस को किस रूप में मनाते हैं। हमने महात्मा गांधी के जीवन काल के हर दिवस को किसी न किसी रूप में मनाया है। तो ध्यान रखना 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी वापस भारत लौटे थे और इस दिवस को हम किस रूप में? प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में मनाते हैं? प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। किस जहाज में बैठकर? अरेबिया नामक जहाज में, अपोलो नामक बंदरगाह पर पहुंचे थे। और आपके एक राइटर ने बहुत अच्छी रचना लिखी है, जो गया था वो मोहनदास करमचंद गांधी और जो लौटा है वो क्या? महात्मा गांधी लौटा है। और ये आती इसकी नींव बड़ी खतरनाक पहले से तैयार होकर सेट होकर बैठी थी। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी वापस भारत लौटे, अरेबिया नामक जहाज अपोलो नामक बंदरगाह में कहते हैं आकर रुके। और आपके 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे अच्छी चीज आपको ध्यान रखनी। उसके बाद में अगले पॉइंट कहते हैं इन्होंने कुछ आश्रम स्थापित किए, इन्होंने कुछ आश्रम स्थापित किए, वो बाद में पढ़ेंगे, वो बाद में देखेंगे, क्योंकि आश्रमों का पॉइंट है वो सारा का सारा एक साथ में लेंगे। और कहते हैं ये भारत में जैसे दारे राजनीति की व्यवस्था देखी, कांग्रेस में शामिल हुए, राजनीतिक व्यवस्था देखी, बोले क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और कहते हैं इन्होंने अपना एक राजनीतिक गुरु बनाया था। कौन, क्या बनाया था? इन्होंने अपना एक राजनीतिक गुरु बनाया था। इनका राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। कहते इस आदमी ने वैसा भी इनका खूब प्रचार प्रसार किया, बोला नया नया बच्चा है वैसा भारतीय राजनीति में तहलका मचाने आया है, काम करो देखते हैं क्या व्यवस्था है क्या नहीं है। और कहते हैं ये आदमी वैसा फेमस हो गया। और इस समय भारत में एक कांड हुआ था, आपको याद होगा जलियांवाला बाग। कौन सा बाग है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। कहते हैं 13 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरुद्ध भाई साहब इतिहास लिखा गया था और भाई साहब बहुत सारे व्यक्ति मौत के घाट उतर गए थे, क्योंकि पंजाब में अमृतसर में वैसाखी के दिन भाई साहब एक छोटे से मेले पर आपके किसने? जनरल डायर ने गोलियों की बौछार कर डाली थी। और इस बात का पता ही नहीं चला, इस बात का पता ही नहीं चला। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक उपाधि दी गई थी केसरे हिंद,
कौन से पद दी गई थी? केसरे हिंद, किसके द्वारा? होल्डिंग द्वितीय द्वारा, होल्डिंग द्वितीय द्वारा। कहते इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापस लौटा दी, बोला मुझे नहीं चाहिए ऐसी केसरे हिंद की उपाधि, मेरे भारतीयों की नहीं तो खाए के खाएगी केसरे हिंद। और कहते इन्होंने इस उपाधि को वापस लौटा दिया। अब क्यों सुना जाए कि महात्मा गांधी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि किस हत्याकांड के विरोध में लौटा दी थी? तो आपको यह ध्यान रखना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने अपनी उपाधि वापस लौटा दी। ये तो थे इनके मोस्टली कुछ इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब आते हैं, महात्मा गांधी ने बहुत सारी किताबें भी लिखी, महात्मा गांधी ने समाचार पत्र भी चलाया, महात्मा गांधी ने कुछ आश्रमों की स्थापना भी की। अब थोड़ी सी चर्चा उनके ऊपर करते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने कुछ आश्रम स्थापित किया गया, प्रमुख आश्रम, मैंने कहा था जीके को इतना इजी वे में तोड़ो, जीके को इतने अच्छे से तोड़ो कि जीके बहुत अच्छे से याद हो जाए। कहते हैं जैसे भारत लौटे थे इन्होंने 25 मई 1915 को कोचरब गुजरात में जीवनलाल बैरिस्टर के मकान में एक आश्रम की स्थापना की थी, कौन सा? सत्याग्रह आश्रम, सत्याग्रह आश्रम, इसी का तो प्रयोग करें सत्याग्रह की है। सत्याग्रह। और वैसे ही हिंदू किताबों में श्रीमद् भागवत गीता से बड़े प्रभावित थे इन्होंने, गीता बोध, गीता कथा, गीता माता आदि टीकाएं भी लिखी इन्होंने। और कहते हैं आश्रम की स्थापना कर दी, कार्यरत आश्रम। और इस समय कहते हैं हर 100 साल में एक बार एक महामारी फैलती है और जनसंख्या को बैलेंस करने का काम करती है। और उस समय महामारी फैली थी प्लेग, और प्लेग रोग के कारण कहते हैं इस आश्रम को 1916 में कहां? साबरमती स्थानांतरित कर दिया गया। अब एक क्वेश्चन डाल दो कि साबरमती की भूमि दान देने वाला व्यक्ति कौन था? महात्मा गांधी ऐसे तो जाकर गुजरात में नहीं बैठेंगे, किसी क्षेत्र में किसी ना किसी ने तो जमीन दान दी होगी। तो आपको ध्यान रखना है, अंबालाल साराभाई एक व्यक्ति हुआ करते थे जिसके द्वारा आपके महात्मा गांधी को साबरमती आश्रम बनाने के लिए क्या दी गई थी? भूमि दान दी गई थी। क्या दी गई थी? भूमि दान दी गई थी, भूमि दान दी गई थी, याद रखिएगा। किसके द्वारा दी गई है? अंबालाल साराभाई, अंबालाल साराभाई द्वारा भूमि दान दी गई थी, ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने भारत के बाहर भी कुछ आश्रम स्थापित किए, भारत के बाहर भी कुछ स्थापित किए, जैसे द फिनिक्स फॉर्म, द फिनिक्स फॉर्म, और एक है द टॉलस्टॉय। थोड़े इंग्लिश नाम है, क्या करें, वहां हिंदी और मारवाड़ी नाम नहीं चलने वाले अपने। कौन सी? टॉलस्टॉय फॉर्म, फॉर्म का मतलब होता है क्या? आश्रम। कहते इस आश्रम की स्थापना की गई थी 1904 में, और इस आश्रम की स्थापना की गई थी 1910 में। कहां पर? अब नाम के अकॉर्डिंग बताओ इन आश्रमों की स्थापना कहां की गई है, इन आश्रमों की स्थापना कहां की गई है? तो आपको ध्यान रखना है द फिनिक्स फॉर्म की स्थापना 1904 में, और आपके द टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना 1910 में, कहां? दक्षिण अफ्रीका में, कहां? दक्षिण अफ्रीका में। इन्होंने एक संस्था की भी स्थापना की है, द इंडियन ओपिनियन, द इंडियन ओपिनियन, ये समाचार पत्र भी इनका, द इंडियन ओपिनियन एक संस्था है जिसकी स्थापना 1903 में इन्होंने कहां की है? दक्षिण अफ्रीका में, कहां? दक्षिण अफ्रीका। ये तीनों की तीनों चीजें कहां है? दक्षिण अफ्रीका में, याद रह जाएगा, उसमें कोई अटकने वाली चीज ही नहीं अपने, सीधे सीधे पॉइंट पड़े। अब इनमें ना कोई शॉर्ट फॉर्म है ना कोई हॉट फॉर्म है, महात्मा गांधी है, छोटे मोटे आदमी नहीं है, चर्चा है कुछ ज्यादा होती है, नोटों पर फोटो है वरना अपने नहीं है, अपने वाले तो किड्स बैंक वाले नहीं छापते, आदमी में औकात थी, आज तक नोटों पर वही फोटो छप रही है, आगे भी छपेगी, इनकी नोटों पर से फोटो नहीं हटा सकते। आप कहोगे बोले मैडम गूगल पे फोन पे उन पे नहीं है, वो तो ई बैंकिंग है। क्या है? ई बैंकिंग है, तो उसमें से कहां से अटेगी, कहां से आप लगाओगे, तो वो तो बहुत अलग चीज पड़ जाती है। अब चलो अगले पॉइंट की बात करते हैं, महात्मा गांधी ने कुछ समाचार पत्र निकाले, प्रमुख समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, एक तो है कौन सा? नवजीवन, एक है यंग इंडिया, एक है हरिजन, और एक है द इंडियन ओपिनियन। ये 1904 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से जारी किया था। नवजीवन,
यंग इंडिया, हरिजन और द इंडियन ओपिनियन आपके महात्मा गांधी के प्रमुख समाचार पत्र हैं जो महात्मा गांधी द्वारा लिखे गए। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनमें हमें अटकने की जरूरत नहीं है, सीधे सपाट पॉइंट पड़े, आपको सीधे सीधे याद रखने। महात्मा गांधी ने कुछ किताबें भी लिखी है क्या? बुक्स, महात्मा गांधी ने कुछ बुक्स भी लिखी है क्या? ठीक है, सबसे पहले महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा लिखी है, कौन सी? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इन्होंने लिखा मैंने जीवन काल में क्या किया, मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी का सफर कैसे तय किया, मेरे साथ दक्षिण अफ्रीका में ऐसा क्या हुआ कि वैसा मैं महात्मा गांधी बनने को मजबूर हो गया, मुझे ट्रेन से फेंका गया तो मैंने क्या फील किया था, जब मैं पहली बार इंग्लैंड गया था तो मैंने क्या सोचा था, जब वकालत के लिए मुझे घर से बाहर फेंका गया तो मेरी स्थिति क्या रही है, और जब मैं ऐसे योग आंदोलन के दौरान जेल में रहा था तो मेरी स्थिति क्या थी, भारत छोड़ आंदोलन के दौरान जब मैंने अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी को खोया तो मेरी स्थिति क्या थी, इन सारी चीजों के बारे में चर्चा इस पर। और कहते महात्मा गांधी ने एक और किताब लिखी है हिंद स्वराज, ये सबको याद है। अगर महात्मा गांधी की और किताबों की बात करें तो महात्मा गांधी ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, महात्मा गांधी जी ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जैसे इंडिया ऑफ माय ड्रीम, मेरे सपनों का भारत, इंडिया ऑफ माय ड्रीम, मेरे सपनों का भारत। आपने रामराज्य की बात सुनी होगी महात्मा गांधी के मुंह से, रामराज्य का जब नाम आता है महात्मा गांधी का नाम सबसे पहले आता है, कहते हैं रामराज्य की चर्चा किस किताब में, इंडिया ऑफ माय ड्रीम। महात्मा गांधी कहते थे कि मैं रामराज्य की नींव रखना चाहता हूं, मैं रामराज्य देखना चाहता हूं जहां पर हर व्यक्ति सुख सुविधा पूर्ण है, आत्मनिर्भर है, बुनियादी शिक्षा जानता है। तो सारी चर्चा इसी के ऊपर। अगला है कौन सा, ग्राम स्वराज, एकमात्र ऐसी किताब जो प्रतिबंधित कर दी गई थी उस समय, आपके पंचायत समिति पंचायत राज इनके बारे में वर्णन है, सपोर्टर थे महात्मा गांधी आपके पंचायत समितियों के, पंचायत राज के, कि पंचायत एक स्थानीय क्या मिलना चाहिए, आपको अधिकार मिलना चाहिए, पंचायतों को अधिकार मिलना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, हर क्षेत्र में हर जगह, हर क्षेत्र में अपनी जगह, एक स्थान विशेष में स्थानीय लोग मिलकर एक सभा का गठन करें और कहीं ना कहीं वहां पर आम जो केसेस हैं, आम जो क्या होते हैं केस दर्ज होते हैं, आम समस्याएं उन पर निवारण कर सके, उन पर चर्चा कर सके, उन्हें इंतजार न करना पड़े। उसके बाद में अगला कौन सा है, सुनो विद्यार्थियों, विद्यार्थियों से रिलेटेड है। इन्होंने कहा है बच्चे का संपूर्ण विकास होना चाहिए, मानसिक शारीरिक और सब कुछ, और एक है सप्त महाव्रत, सात महाव्रत दिए इन्होंने, सप्त महाव्रत। ये सारी की सारी किताबें किसकी है, महात्मा गांधी किसकी है, महात्मा गांधी जी की ये प्रमुख किताबें हैं जो आपके मोस्टली पूछी जाती है। हम महात्मा गांधी के जीवन काल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम उनके आंदोलनों पर चर्चा नहीं कर रहे। करें 30 जनवरी 1948 को आपके 5:17 पर बैरनगट्टा बंदूक से आपके नाथुराम गोडसे द्वारा 3 गोलियां मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी। कहते इसका प्रयास नाथुराम गोडसे ने पहले भी किया और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में डाला था मैं महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता समझता ही नहीं, उन्होंने अहिंसा का नारे का प्रयोग करते करते मेरे धर्म को नपुंसक बना डाला है, इसलिए मैंने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। मुझे पता है आगामी जीवन में आप मुझे अच्छे तरीके से याद नहीं करोगे, आगामी जीवन में आप मुझे अच्छे तरीके से याद नहीं करोगे, लोग मुझे गंदे तरीके से याद करेंगे, लेकिन मैंने फिर भी महात्मा गांधी की हत्या कर दी। और महात्मा गांधी की जब हत्या की गई थी तो प्रार्थना करके 5:17 सायंकाल से वापस आपके बिड़ला भवन से बाहर निकल रहे थे और गोली लगने पर उनके आखिरी शब्द थे हे राम, क्या थे हे राम, जब किसी को गोली लगेगी तो ऐसे कुछ वर्ड निकलेंगे, उस समय में या अल्लाह निकलेगा, अपने हे राम निकलता है अपने, और अलग स्थानीय विशेष जो लोकल बोलियां होती है उनमें कुछ अलग निकलता है। और कहते हैं महात्मा गांधी इस प्रलोक से सिधार गए थे और इस दिवस को हम किस रूप में मनाते हैं, जल्दी से टाइप करके बताओ इस दिवस को हम किस रूप में मनाते हैं, 30 जनवरी को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं, जैसे 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस है, तो आपके 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं, 30 जनवरी को कोई भी शहीद दिवस किस दिवस के रूप में, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सबसे पहले अछूतों के लिए, अछूत मतलब शूद्र वर्ग, जिसे हम अपनी बराबरी में तक बैठना पसंद नहीं करवाते थे, भाई साहब जिनके मंदिरों पर जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था और कहीं ना कहीं हमें उनका शोषण करने को मजबूर हो रहे थे,
कहते हैं आपके सबसे ज्यादा निचले तबके के लोगों को हमने शोषण किया। अब महात्मा गांधी को इस चीज का पता चला कि लोगों के मंदिर जाने तक पर प्रतिबंध रहते हैं, जबकि ये भी तो भगवान के लोग, भगवान ने किसी ना किसी कारणवश बनाया होगा। लोग उन्हें हे दृष्टि से देखा करते थे, घृणा दृष्टि से घर में घुसने तक ना देते थे। अब महात्मा गांधी ने सबसे पहले सुधार आंदोलन चलाया और उन्होंने आपके अछूतों के लिए सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? हरिजन शब्द का। हरि, हरि का मतलब भगवान, जन का मतलब लोग। ये बोला आम आदमी नहीं है, ये भगवान के लोग हैं। किसके लोग हैं? भगवान के लोग हैं। हरिजन का मतलब हो गया भगवान। बोले भगवान के लोग हैं, आप कैसे कह सकते हो कि वैसा भी अछूत है? और कहते महात्मा गांधी ने बहुत सारे इनके लिए प्रयास किए थे, हरिजन शब्द का प्रयोग किया। और कहते महात्मा गांधी ने सबसे पहले भारत में सत्याग्रह, भूख हड़ताल, भूख हड़ताल भी इन्हीं का प्रयोग है। अनशन नाम सुना होगा, अनशन। और महात्मा गांधी को अनशन की प्रेरणा कहां से मिली थी? अपनी माता, किससे? पुतली बाई से। क्यों? पुतली बाई की जब कोई मान्य चीजें ना मानी जाती थी तो कहीं ना कहीं वो अनशन का प्रयोग करती थी। लेडीजें मोस्टली अनशन का प्रयोग करती है, मैं खुद लेडीज हूं, मैं जानती हूं। जब कोई मान्य चीज की मांग नहीं की जाती तो सबसे पहले गुस्सा किस पर निकलता है? खाने पर। किस पर निकलता है? खाने पर। और महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया था? अनशन, भूख हड़ताल, हरिजन, सत्याग्रह। और सर्वोदय का मतलब आप सब जानते हो, जो सबका उदय साथ लेकर चलता है। लीडर वो होता है जो अकेले अपने विकास में नहीं, संपूर्ण व्यक्तियों को अपने साथ लेने का प्रयास करता है। अब महात्मा गांधी के जीवन काल से हम इतनी चर्चा करें। नमस्ते।